प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। यूपी विधानसभा की 2 सीटों रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव की जंग लगातार जारी है, जिस पर आज जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। स्वार सीट पर पहले सपा काबिज थी और 96 में भाजपा के सहयोगी दल अपना दल है। दोनों ही सीटों पर इस बार अपना दल का ही प्रत्याशी है, लेकिन दांव पर भाजपा की प्रतिष्ठा लगी हुई है। नतीजों के नफा नुकसान दोनों उसके ही खाते में जोड़े जाएंगे। दरअसल विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई सीट पर अपना दल ने दिवंगत विधायक की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने सपा ने पिंकी कोल को टिकट दिया है, जो राहुल कोल के खिलाफ भी चुनाव लड़ी थी। तो वहीं रामपुर की स्वार सीट पर सपा ने अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बनाया है। करीब 21 साल बाद पार्टी ने यहां से गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं गठबंधन ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर शफीक अहमद अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे। तो स्वार और 96 विधानसभा सीटों पर लगातार जंग जारी है और जनता अपने मत का इस्तेमाल लगातार करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान इन दोनों ही सीटों पर आजम खान और अनुप्रिया पटेल की साख दांव पर लगी है, यानी कि दोनों की ही अग्नि परीक्षा होनी है। स्वार में समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने से यह सीट खाली हुई थी, जिस पर आज सुबह से ही मतदान जारी है। तो वहीं 96 विधानसभा सीट पर विधायक राहुल कोल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अपना दल एस ने प्रत्याशी उतारा था। तो वहीं आज इन दोनों ही सीटों पर सपा और भाजपा के जो दो दिग्गज हैं उनके साख दांव पर लगी है। जो है, एक तरफ रामपुर में आजम खान की साख दांव पर लगी है, तो वहीं अगर हम 96 की बात करें तो यहां पर अनुप्रिया पटेल की अग्नि परीक्षा हो रही है। तो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये मतदान, आपको बताते चले कि शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि आज इन दोनों ही जगहों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम नजर आए हैं। स्वार और 96 में लगातार 7 बजे से ही जो जनता है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। लगातार जो है जनता वो मतदान स्थल पर पहुंच रही है और वोट डालती हुई भी दिखाई दी है। वही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि इन दोनों ही सीटों पर सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है वो शाम 6 बजे तक चलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आज स्वार और 96 की जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है और तकरीबन 2 घंटे का समय और बचा हुआ है, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है अभी तक? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर स्वार में लगभग लगभग 34% रहा है और 96 की बात करें तो लगभग लगभग 36% वहाँ पर वोटिंग अब तक हुई है। जब चुनाव है उस चुनाव के नतीजे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें मुस्कान, खास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर स्वार में चुनाव हो रहा है, आनंद फानंद चुनाव कराए जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार शिकायत भी की गई, क्योंकि यहाँ पर 2017 में आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम विधायक बनकर पहली बार आए थे। उसके बाद अभी हाल में 13 फरवरी को मुरादाबाद में एक मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने के चलते उनकी सजा हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील भी की थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक आदेश नहीं आया था। तो इसी दौरान निर्वाचन की जो क्रिया नामन की जो निर्वाचन प्रक्रिया सारी चुना दी गई और आज वहाँ चुनाव हो रहा है और 13 मई को नतीजे आएंगे। स्वार की बात करें तो स्वार और कांडा 96 सीट की बात करेंगे, मिर्जापुर की दोनों अहम सीट है और फिलहाल अपने के पास है। और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात करें तो अपना जो प्रत्याशी है उनकी यहाँ पर महत्वपूर्ण लड़ाई होने जा रही है अपना पार्टी की। यहाँ पर अगर स्वार की बात करें तो अरुणा सिंह चौहान को तुम्हारे उतारा है, तो वहीं जो 96 सीट है वो भी हमारी महत्वपूर्ण के मिश्रण यहाँ के निकला। ठीक है गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि ये दोनों ही सीटें काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, क्या कुछ वजह बताई गई है कि वोटिंग परसेंटेज जो इतना कम है? देखिए मुस्कान, वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज लगातार कम ही हो रहा है, क्योंकि अगर उपचुनाव की बात करें तो वहाँ बेहतर न्यूता भी हाल में दिखा रामपुर खतौली में चुनाव हुए थे, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम हुआ था। रामपुर की अगर बात करें जहाँ पर आजम खान की यानी गढ़ वाला मामला रहा है, आजम खान का कसूर वाला मामला है, वहाँ भी लगभग लगभग 30% वहाँ पर वोटिंग हुई थी। और तो अगर निकाय चुनाव की बात करें मतलब तो यहाँ भी वोटिंग है बड़ी कम रही है। अगर राजधानी लखनऊ की बात की 30% मैच वोटिंग यहाँ पर हुई थी, तो वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से यहाँ पर चिंता का विषय है। यहाँ पर जो अभी 3 बजे तक जो आंकड़े आए थे वो 33-36% के आंकड़े आए थे, तो कहते हैं वोटिंग परसेंटेज से कम होना नुकसानदेह है
लोकसभा के लिए भी और प्रत्याशियों के लिए भी। ठीक है, गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि जो स्वार सीट है वो कहीं ना कहीं हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में सपा के अगर हम प्रत्याशी पर एक नजर डालें तो 21 साल बाद सपा ने यहां से गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो क्या कुछ समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये प्रत्याशी घोषित किया गया है? समीकरण यहाँ पर है इसलिए कि अगर बीजेपी यहाँ पर कमाई करने की बीजेपी किसको उतारती है, बीजेपी ने यहाँ पर सपा के अमर अंसारी को उतारा है तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप बीजेपी मुझे उतार सकती है। इसके अलावा समाज पार्टी अलग पत्र चलते अनुराग चौहान को टिकट दिया है। अनुराग चौहान तो पुराने चेहरों में एक, अगर हम बात करें मुस्कान तो चेहरे से मैं बात कर पाऊँ, पुराने जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी है, पुराना अनुभव भी रहा है, समय पार्टी पुराने नेताओं में शामिल है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनको लग सकती है कि अगर इस तरह की सीट है वहां पर, क्योंकि जो अगर मुस्लिम बात करें तो मुस्लिम मतदाता समाज पार्टी का हमेशा एक वोट बैंक माना जाता रहा है और सदा के अगर बात करूँ तो एम वाई का फैक्टर अभी तक देखा जा रहा है क्योंकि पक्ष भी रहा है, तो उनको लगता है कि यहाँ पर अगर हम जो मुस्लिम वोट बैंक हमको मिलेगा, यादव वोट बैंक हमको मिलेगा, तो अगर यहाँ पर अनुराग चौहान को टिकट देते हैं उस वर्ग का वोट अगर हमको मिलता है तो हमारी जीत सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि हमारी पार्टी तमाम जो समीकरणों को ध्यान में रखती है अगर अनुराग चौहान को टिकट दिया। ठीक है गौरव, क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को स्वार में चुनावी मैदान में उतारा है तो जब नतीजे आएंगे तो भाजपा को किस हद तक उम्मीद है इस सीट पर? देखिए नतीजे यहाँ पर आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगे या नतीजे कुछ राहत देने वाले होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी स्वार सीट जीते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर लाभ ही रहेगा। इधर हम बात करें तो रामपुर में जो विधायक है यादव शाह की वो भी हार चुके हैं, अभी हाल में इनको हराया गया सत्यनाथ द्वारा। इसके अलावा हम बात करें तो जो गंजना लोधी वो रामपुर से लोकसभा चुनाव का चुनाव जीत चुके हैं, तो अगर रामपुर की बात करें तो बादशाह वहां पर फिलहाल खत्म हो गई है और यहां पर जिस तरह से स्वास्थ्य का चुनाव हो रहा है, चुनाव के माध्यम से जो परिणाम आएंगे 13 मई को उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो आजम साहब की बादशाह कही जाती है, कहने का बादशाह में यहाँ पर नुकसान हो रहा है और रामपुर की लोकसभा सीट और रामपुर की विधायक सीट हार के गड़बड़ हो गया है और सीधे यही कहा जाती है कि राम जो एक आजमयुक्त था कहने का उसको यहाँ पर चुनौती मिल चुकी है और जिस तरह सीटें आ रही है सारी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय यहाँ हो चुकी है कि रामपुर में अगर हम बात करें मुस्कान तो 50% ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिल्कुल गौरव, अभी आपने बताया कि जो रामपुर है वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो ऐसे में जब सपा ने हिंदू उम्मीदवार उतारा है तो क्या कुछ ध्यान में रखा है उम्मीदवार को घोषित करते हुए? देखिए जैसे मुस्कान, मैंने आपको पहले बताया कि एम वाई फैक्टर सपा का नर्सिंग फैक्टर है और यादव को वोट उनको मिलता है, मुस्लिम वोट उनको मिलता है, अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे आपने वो देखा था किस तरह से यहाँ वोट दिए गए थे, वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एम वाई फैक्टर है उनके साथ में है। सीटें बढ़ के आई थी 17 के चुनाव की अगर बात करूँ मुस्कान तो मैं 47 सीटें स्वामी पार्टी को मिली थी, 111 सीटें बता रही है, एक तरफा वोट स्वामी पार्टी को मुस्लिम वर्ग का मिला है, तो सपा को लगता है कि मुस्लिम वर्ग का वोट उनको मिलेगा, उनको यादव वर्ग का वोट मिलेगा, उनको ओबीसी वर्ग का वोट मिलेगा, इसलिए उन्होंने चौहान को भी उतारा है कि अगर इस वर्ग को हमें उतारेंगे और अगर इस वर्ग का वोट भी हमको मिलता है, हिंदू वर्ग का वोट भी हमको मिलता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि 13 मई को पलटा बना सकते। ठीक है गौरव, 96 सीट पर भाजपा का कब्जा था, ऐसे में इस बार सपा ने एक दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो जो ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है तो क्या कुछ समीकरणों को गठजोड़ करते हुए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है? देखिए अगर हम 96 और दोनों की बात करें तो यहाँ पर उम्मीदवार एनडीए का है, अंसारी है, भाजपा गठबंधन और अपना दल गठबंधन के जो प्रत्याशी हो यहाँ पर भी जो छानवे की बात है वहाँ पे प्रत्याशी अपना दल के ही है, तो निश्चित तरीके की चुनौती यहाँ पर है और यहाँ पर चुनौती सबसे बड़ी बात है मुस्कान, यह चुनौती है अनुप्रिया पटेल के लिए, यहाँ बीजेपी की चुनौती तो है पर अनुप्रिया पटेल की चुनौती बड़ी है क्योंकि अगर ये सीट हारती है क्योंकि यहाँ पर विधायक अपना दल के से राहुल बोलते अभी हाल में इनका निधन हुआ था उसका सीटें खाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं यह चुनौती है, पर हमने देखा है अमूनन कि अगर कोई विधायक का निधन होता है, अभी हमने हाल में देखा है लखीमपुर की सीट जहाँ पर भी जो विधायक है उनका स्टार होगा तो उसके बाद उनके पुत्र देव भाव की जीत कराई थी, कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिलता है, अगर कोई विधायक स्टार होता है तो कहीं नहीं संविधान के वोट वहां मिलते हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर पल्ला भारी बढ़ने की बात करें तो अपने का देश पल्ला यहाँ पर फिलहाल भारी है। ठीक है बिल्कुल, धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्वार और छानबे में उपचुनाव का संग्राम लगातार जारी है, जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, तो जो है एक तरफ रामपुर की स्वार सीट आजम खान के लिए बड़ी चुनौती है तो कहीं ना कहीं छानबे की सीट अनुप्रिया पटेल की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है।
यूपी के अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की एक बार फिर से दबंगई सामने आई है। विधायक राकेश प्रताप ने बीजेपी के निकाय चुनाव के प्रत्याशी के पति दीपक सिंह को थाने में जमकर पीटा है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जिस समय विधायक दीपक सिंह को पीट रहे थे उस समय वहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा, लेकिन किसी ने विधायक को नहीं रोका। यह पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली का है और यह वीडियो भी गौरीगंज कोतवाली के ठीक सामने का है, जहां पर सपा विधायक की दबंगई देखने को मिली। इस दौरान जो विधायक है वो भाजपा के प्रत्याशी के जो पति हैं उस पर थप्पड़ों की बरसात करते हुए दिखाई दिए हैं। मेरे कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है और आज चार कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, जिसमें से दो को बुरी तरह से पीटा गया, एक को तो गाड़ी में भर के ले जाया गया और 3 किलोमीटर बाद मार के उतारा गया गाड़ी पे, और एक को सरेआम एसपी के ऑफिस के गेट के बगल में जहां से 20 मीटर बगल में मारा गया। तो ये अपराधी लोग इतने बेखौफ हैं और ये हमारा सीधा आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में ये बेखौफ हैं, पुलिस सब करवा रही है हम, और तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अगर कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना है तो मुझे उसके साथ रह के लोकतांत्रिक ढंग से मैं अनशन कर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, अमेठी में सपा विधायक की गुंडागर्दी देखने को मिली, तो सबसे पहले क्या कुछ वजह बताई गई जो जो सपा के विधायक है वो अपना आपा ही खो बैठे? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो की अमेठी के गौरीगंज सीट से 2022 में कहीं ना कहीं विधायक चुन के आते हैं, क्षेत्र के अंदर में काफी देखे तो एक लोकप्रिय चेहरा है और आए लगभग समय समय पर वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। मगर इस बार बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह को मारते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं नुकसान कि साफ तौर से देखा जाए तो राकेश प्रताप सिंह की तरफ से आरोप था कि अमेठी के अंदर में नगर पालिका चुनाव चल रहा है, जिसमें वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे, जिस दौरान उनके मामा के लड़के और उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पति दीपक सिंह के द्वारा मारपीट हुई, जिसके बाद वो कार्रवाई की मांग को लेकर अमेठी के कोतवाली पहुंचे थे। अमेठी कोतवाली पे कल देर रात से धरने पे बैठे थे, आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के जब प्रत्याशी के पति वहां पहुंचते हैं दीपक सिंह, तो कहीं ना कहीं एक दीवानी जंग होती है, जिसके बाद राकेश प्रताप सिंह अपना आपा खो बैठते हैं और वो कहीं ना कहीं दीपक सिंह को महज कुछ ही समय के भीतर कई तमाचे मार देते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि दीपक सिंह को जमीन पर गिरा कर पीटा जा रहा है। बिल्कुल विभांशु, हमने वीडियो में देखा और लगातार दर्शक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन विभांशु हमने ये वीडियो में देखा कि कोतवाली के अंदर ये मारपीट होती है और जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनी हुई है। जी बिल्कुल, लगभग 20 मिनट तक ये मारपीट चलती है, जिसके बाद आपको बताएं कि वहां पर तैनात तमाम पुलिसकर्मी महज एक दर्शक बनकर खड़े हुए नजर आते हैं। 20 मिनट के कशमकश के बाद दोनों लोगों को अलग अलग किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रिलीज किया जाता है। साथ ही आपको बताएं कि अब इस मामले को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक सिंह की तरफ से की गई, जिसमें राकेश प्रताप सिंह जो कि क्षेत्र के विधायक है, गौरीगंज के विधायक है, उनके मामा के बेटे और उनके समर्थकों को मारा गया, जिसके बाद उनका आरोप है कि जब वो दंसन पर बैठे थे थाने के अंदर में तो दीपक सिंह उनको कहीं ना कहीं उकसाते हुए नजर आए, जिसके बाद विभांशु ये भी हमने सुना कि ये अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए हमने ये पिटाई की है, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन ये वही विधायक है जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है, कभी अधिकारियों को पीटते हैं, कभी ये अनशन का दिखावा करते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुस्कान, तो एक समय था कि राकेश प्रताप सिंह का
कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर में दूसरी बार विधायक बने हैं अमेठी के गौरीगंज से। जब उनकी पहली मरतबा विधायकी आई थी तो वो प्रशासनिक अधिकारी पर भी थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था। और अगर बात करें तो 2022 से विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस वक्त तत्कालीन स्पीकर हिजरा नारायण दीक्षित को वो अपना कहीं ना कहीं इस्तीफा सौंपे थे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार के अंदर में मैं विधायक चुन के आया और मैं उनके कार्यों को, जनता के कार्यों को नहीं पूरा कर पाया। और जो सरकार थी यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार पे आरोप भी उन्होंने लगाया था कि मैं विधायक होकर अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लगातार चर्चे में आते रहे हैं। और अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो रामचरित मानस की टिप्पणी की गई थी, उस वक्त कहीं ना कहीं अपने पार्टी के विपरीत खड़े राकेश प्रताप सिंह नजर आए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा था। और अब कहीं ना कहीं देखे तो नगर पालिका चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में भी एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां राकेश प्रताप सिंह आरोप लगा रहे हैं कि पहले शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई है, और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ चंद सेकेंडों में लगभग दर्जनों से ऊपर काटा मारते हुए राकेश प्रताप सिंह नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल भांशी, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं शांत खड़ी हुई नजर आई, तो क्या माना जाए कि पुलिस पर दबाव इतना ज्यादा है कि पुलिस एक्शन लेने में कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखाई दी, ये माना जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसमें साफ तौर से जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी और थाने के अंदर में तमाम पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, मगर समय रहते ही इस मामले को बढ़ने से पहले ही पुलिस की तरफ से रोकने की एक कोशिश नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायक के अंदर में एक भारी मारपीट देखने को मिली है। अगर बात की जाए तो पुलिस महज एक मूक दर्शन बनकर पूरे मामले को देखी रही, और देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या अभी अगर देखें तो केंद्र में, राज्य में और साथ ही साथ अमेठी के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमेठी नगर पालिका के अंदर में कहीं ना कहीं बीजेपी के अध्यक्ष है, तो क्या अब बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से वहां के जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको क्या बात कही जाती है, वो आने वाला समय बताएगा। मगर निश्चित तौर से देखा जाए कि इस मामले की जांच करके और तय तक जाकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुस्कान बिल्कुल विभांशु, अक्सर जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव है वो ये कहते हैं कि जो भाजपा के विधायक है, जो भाजपा के नेता है, वो गुंडागर्दी करते हैं, उनकी वजह से यूपी में कानून का राज कायम नहीं हो पा रहा है। तो क्या इस वीडियो पर अब अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे या कुछ उनका बयान अभी तक सामने आया, जिस तरीके से उनके विधायक गुंडागर्दी कर रहे हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे अब वो? जी अगर बात की जाए मुस्कान, तो सोशल मीडिया पे आज सुबह से ही कहीं ना कहीं ये मामला ट्रेंडिंग है, और अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी शीर्ष नेतृत्व इस पर जवाब नहीं दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साधे हुए है। कल उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज का मतदान होना है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि इस कसमकस में अमेठी नगर पालिका के तो जो अध्यक्ष का जिम्मा है वो किसे मिलता है, यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच देखने को मिल रहा है। जी सर। अच्छा विभांशु, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमने वीडियो में देखा किस तरीके से थप्पड़ों की बरसात हो रही है, लेकिन पुलिस जो है वो शांत खड़ी हुई है, तो क्या पुलिस इस मामले पर कोई FIR अभी तक दर्ज कर पाई है या फिर नहीं कर पाई है, तो किस चीज का इंतजार है आप पुलिस को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में शिकायत पत्र दिया गया है, और अभी तक अगर बात करें तो अब तक किसी भी तरह की पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि अगर बात की जाए तो राकेश प्रताप सिंह के नाम भी कई मुकदमे पूर्व में है, और साथ ही साथ नगर पालिका अमेठी के प्रत्याशी लक्ष्मी सिंह के पति दीपक सिंह के ऊपर भी लगभग दर्जनों से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, वो जल्द सामने होगा। मुस्कान बिल्कुल धन्यवाद दिवांशु हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अभी अपने सपा विधायक की गुंडागर्दी की तस्वीरें देखी कि पुलिस के सामने ही जमकर लात घूसे तक चलते हैं, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल होता है, और वही भाजपा के प्रत्याशी के पति दीपक सिंह की जो सपा विधायक है वो जमकर पिटाई करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरा मामला कोतवाली परिसर के अंदर होता है, पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई FIR तक नहीं दर्ज की गई है।
यूपी में निकाय चुनाव के अंतिम चरण में कल जनता अपने वोट डालेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर और अयोध्या जिलों के मतदाता महापौर चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे, लेकिन शाहजहांपुर के लोग पहली बार अपना मेयर चुनने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो वही 2017 में हुए निकाय चुनाव में भाजपा के हाथ से मेरठ और अलीगढ़ नगर निगमों के महापौर पद फिसल गए थे। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण में कल जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। आपको बताते चले कि 9 मंडल के 38 जिलों में कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। इस दौरान मेरठ और अलीगढ़, जिसकी नगर निगम की मेयर की सीटें 2017 में भाजपा के हाथ से फिसल गई थी, तो इस सीटों पर भाजपा ने दमदार प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते हुए अपने मजबूत दावेदारी पेश किया। तो वहीं शाहजहांपुर में पहली बार जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और पहली बार अपना मेयर चुनेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, कल निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? पहले चरण का दूसरा मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका बहुत अच्छी रही है और निश्चित रूप से इसकी सभी बधाई के पात्र है। और सबसे बड़ी बात मुस्कान, चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो 38 जिलों में चुनाव होने वाला है और मैपुर चुनाव इसलिए भी है कि ये पश्चिम का अधिकार क्षेत्र में शामिल है और फिलहाल ये चुनाव बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अगर हम बात करें मंडलों की, यहाँ पर अगर अलीगढ़ मंडल की बात करें, बरेली मंडल की बात करें, मेरठ मंडल की बात करें, तो मुसलमानों की जहाँ संख्या है, माइनॉरिटी संख्या वहाँ ज्यादा है और निश्चित रूप से जहाँ माइनॉरिटी संख्या ज्यादा होती है वहाँ बीजेपी की चुनौतियां मिलती है। जिस तरह से 2017 के निकाय चुनाव में हमने देखा था कि मेरठ और अलीगढ़ का चुनाव बसपा और बहुजन पार्टी के प्रत्याशी जीता था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौती बीजेपी के होने वाले, हालांकि बीजेपी मेहनत की जा रही है और प्रत्याशी आने गए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर शाहजहांपुर में सपा के उम्मीदवार अर्चना वर्मा को बीजेपी में शामिल है, उसको मेरा बनाया गया है, तो कभी बीजेपी कभी वहाँ पर पहली बार नगर निगम बनाया, पहली बार वहाँ के लोग मेहनत करेंगे तो वहाँ पर बीजेपी अपने बात यहाँ पर फैला सके। तो कहते हैं यहाँ तैयारी पूरे क्योंकि मरणनीति का वोट वहाँ पर जाता है और मरणनीति का वोट कहा जाता है कि मतलब पार्टी ने भी ठीक है, ठीक है। गौरव, अभी आपने जिक्र किया है कि दूसरा चरण जो है वो भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और दूसरा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अतीक अशरफ हत्याकांड का असर इस चरण में भी देखने को मिलेगा? देखिए नमस्कार, हत्याकांड का असर देख रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा ये भविष्य गर्मी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अति हत्याकांड के बाद तमाम तरह की बातें यहाँ बयान आए पर किसी पार्टी ने इस मामले पर सरकार को दिन में प्रयास किया कानून व्यवस्था पर और किसी ने ये नहीं कहा कि अतीक अहमद एक साधु थे या संत थे। अभी ने ये बयान था कि अतीक अहमद एक अपराधी पश्चिमी का इंसान था, लोग ऐसी थे, उनकी छवि ऐसी थी, सोचने वाले जाते हैं और जो बेकस्ता होता है, माफिया होता है, उससे यह बात कही जा रही थी। यहाँ मित्र को मार दिया गया और यहाँ पर जितने भी कानून व्यवस्था को संगठन बताता हूँ, यहाँ पर जो घटना अंजाम होते कानून व्यवस्था पहुंचता है, किसी पार्टी ने यह कहा था कि अतीक अहमद का यहाँ पर अंत हुआ या किसी मार दिया है, यह गलत हुआ है। यह अपनी तस्वीर में मुस्लिम बार यहाँ पर इस मामले को लेकर कहा रही थी, वीडियो तो आया था, वो कहीं भी ये कहा था कि मुस्लिम बार को रोक हो, क्योंकि अपने राजकीय यहाँ राजकीय हमें बात है कहा जाता है कि अभी जमान के मामले को लेकर वहां पर लोग बीजेपी से नाराज हो सकते हैं और बीजेपी ने भी यहाँ पर आपने रास्ता देखा निकाल चुनाव से पहले ही जब हमारा घोषित किया तो 395 लोग कर चुका है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी रीति चलते सभी वर्गो को यहाँ पर ठीक है। गौरव, दूसरे चरण को लेकर हमने देखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और दूसरा चरण काफी अहम भी हो जाता है, तो क्या लगता है कि इन रैलियों का असर वोट बैंक को साधने में कितना कारगर होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा करते हैं, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे हैदराबाद की बात करें, चाहे हिमाचल चुनाव की बात करें, या गुजरात चुनाव की बात करें, या सफेद निकाय चुनाव की बात करें, पहले चरण में लगातार ताबड़तोड़ रैली थी, चौथे चरण में ताबड़तोड़ रैलियां की और उन्होंने बताया
जनता को दिखा रहा है, अपने नीचे उतार रहा है, अपना काम बता रहा है। उन्होंने कहा है कि चारों व्यवस्था तो हम किसी को नहीं बचते थे, चाहे कोई बड़ा माफिया हो चाहे बड़ा नाम हो। जिस तरह से हाल में जब समस्या में जा रही थी, तमाम बड़े माफियाओं का नाम था, जिसके लगातार विपक्ष कहता था कि सबसे पटाखी माफिया तो कार्रवाई नहीं करते, जब तमाम नाम यहाँ पर है जिनपे खिलाफ कार्रवाई की गई है। निर्णय के बाद जब बात करी गई उस वक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किया है शुरू करने से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कारगर होने की उम्मीद है। हालांकि मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, आने वाले समय में परिणाम क्या आएगा वो अभी स्पष्ट नहीं है, और जिस तरह से जिस तरह से प्रयास किया गया है कहीं वोट यहाँ पर कारगर होता है। ठीक है गौरव, मेरठ और अलीगढ़ ऐसी नगर निगम की सीटें हैं जहां महापौर पद कहीं ना कहीं 2017 में बीजेपी के हाथ से फिसल गया था, तो इस पद इस क्षेत्र को बचाने के लिए भाजपा की रणनीति क्या कुछ रहेगी? देखिए मेरठ अलीगढ़ की बात करें, अगर हम बात करें अयोध्या की बात करें या कानपुर की बात करें, वहां भी बीजेपी मामूली अंतर जीत पाई थी, तो बीजेपी के लिए यहाँ पर यहाँ पर बीजेपी के लिए कानपुर भी महत्वपूर्ण है, अलीगढ़ भी महत्वपूर्ण है, मेरठ भी महत्वपूर्ण है, शाहजहापुर भी महत्वपूर्ण है, बरेली भी महत्वपूर्ण है, जोधपुर हर जगह है। पर यहाँ पर किस तरह से बेहतर करना है, प्रचार बन चुका है, प्रचार हो चुका है, आने वाले समय में क्या स्थिति होगी स्पष्ट नहीं स्पष्ट होगा। पर जिस तरह से प्रयास किया गया है, सभी नेता उतरे हैं मैदान में, रणनीति बनाएंगे और मेहनत की है। अगर बीजेपी वाला चाहिए की हम बात करें तो बीजेपी वो पार्टी अभी तक पुरानी बोर्ड में रहती है, कार्यकर्ता बेहतर गठबंधन करता है, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो यहाँ पर परिणाम कुछ भी लगता है बीजेपी पक्ष में जा सकता है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल गौरव, यानी कल का दिन बीजेपी के लिए साथ ही साथ जो तमाम पार्टियां हैं सभी के लिए काफी अहम हो जाता है। धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि कल यूपी में दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। जोरा 9 मंडल के 38 जिलों में जनता वोट डालेगी। यूपी में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने के बाद कहीं इसको लेकर विरोध हो रहा है तो कहीं खुलकर समर्थन भी हो रहा है। तो वहीं अब इस फिल्म के समर्थन में बीजेपी महामंत्री अभिजात मिश्रा ने पोस्टर तक लगा दिया है जिसमें ममता, राहुल, अखिलेश और अवैसी की तस्वीर भी लगाई गई है। तस्वीर के जरिए अभिजात ने कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं पर विरोध किया है, यानी कि विरोध करते हुए उन पर तंज भी किया है। तो ये वही पोस्टर है जिसमें जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन पर तंज कसते हुए भाजपा के महामंत्री नजर आए हैं। इस दौरान इस पोस्टर पर बयान देते हुए भाजपा के महामंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से देश की राजनीतिक संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या ओबीसी की पार्टी हो, ये लोग जिस प्रकार से इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार करी, जो फिल्म देश की बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रही थी उसको बैन कर दिया, और जो नागरिक वहाँ के अपने परिवार के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में फिल्म देखने गए थे उनके साथ में जिस प्रकार से अभद्रता करी गई, उनको मारपीट के सिनेमाघरों से बाहर फेंका गया, ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो द केरल स्टोरी पर फिलहाल सियासत जारी है, ये सिनेमा घरों में भले ही रिलीज हो चुकी है लेकिन विरोध की आग लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। कई पार्टियां इसको लेकर विरोध कर रही है तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो इसका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही यूपी में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है लेकिन ममता बनर्जी इस फिल्म के विरोध में ज्यादा नजर आई है, जिसको लेकर अब एक पोस्टर भी भाजपा के महामंत्री ने जारी किया है जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के साथ असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें हैं। तो भाजपा महामंत्री अभिजात ने यह पोस्टर लगाया है और वही लखनऊ के पास ही हनुमान सेतु के करीब इस पोस्टर को लगाया गया है। वही सूत्रों के हवालों से जो खबर हमको लगातार मिल रही है वो ये है कि बहुचर्चित फिल्म यानी कि द केरला स्टोरी के निर्देशक लखनऊ पहुंच चुके हैं जहां वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। तो सुदीप, तो सेन हो सकता है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें, तो उस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, द केरला स्टोरी को रिलीज हुए समय भी हो चुका है, कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया जा चुका है लेकिन इस मूवी पर राजनीति लगातार जारी है, तो आखिर एक फिल्म पर राजनीति होना कहां तक सही है? उस्ताद आपको बता दें, द केरला स्टोरी के रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं देश की सियासत इस पिक्चर को लेकर तेज हो गई है। अब बात करें तो राजनीतिक पारा जो है वो अपने चरम पे है। अगर बात की जाए तो कल सुबह के मुख्यमंत्री की तरफ से
उत्तर प्रदेश के अंदर में द केरला स्टोरी को टेक्स्ट भी किया गया, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इस फिल्म को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया बंगाल के अंदर में। वहीं मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में इसे टेक्स्ट भी किया गया है। और बात करें तो इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई है। आने वाले 15 तारीख को इस फिल्म को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला भी आएगा, क्योंकि इस फिल्म को लेकर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग याचिकाएं डाली गई है। अगर आपके सवाल पे लौटे मुस्कान, तो कहीं ना कहीं देखे तो एक पिक्चर जगह, चाहे बात करें मायने भी खान हो, चाहे बात करें लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे पद्मावत हो, चाहे हाल फिलहाल में आई कश्मीर फाइल्स हो या आदि पुरुष हो, तमाम पिक्चरों को लेकर देश के अंदर में कहीं ना कहीं सियासत की बाजार जो है वो गर्म हो जा रही है। और विपक्ष के जो तमाम नेता है वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पिक्चरें लाई जा रही है, तो यानी साफ तौर से विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी की तरफ से ये पिक्चरें लाई जा रही है जिससे उनका बेहतरी आ सके। और हाल अगर बात करें तो जहां विपक्ष इस फिल्म को लेकर तमाम वादे कटाक्ष कर रहा है, तो वही शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी में पुराने नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर टैक्स भी करना है तो दूध दही और रोजमर्रा की वस्तुओं में का मूल्य से टैक्स भी किया जाए, ना कि पिक्चरों से। और बात करें तो पिक्चरों पर टैक्स भी करने की जो सिलसिला है वो लगातार भाजपा शासित प्रदेशों में जारी है। और बात करें राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री की तरफ से आज एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर से देश के तमाम नेताओं को लेकर एक कॉल आउट बनाया गया है। कॉल आउट से कुछ कटाक्ष के शब्द लिखे हैं और साफ तौर से इस पोस्टर के माध्यम से अभिजात मिश्रा कहीं ना कहीं द केरला स्टोरी पिक्चर का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लगातार इस फिल्म को लेकर कई विरोध की आग धधक रही है, तो कहीं ना कहीं लोग समर्थन में भी है। लेकिन विभांशु, जब भी फिल्मों का जिक्र होता है तो हम यही कहते हैं कि फिल्म जो है वो समाज का आईना होती है, समाज को सच्चाई दिखाने का काम करती है, तो ऐसे में फिल्मों को राजनीति से जोड़ना या फिल्मों को राजनीति के लिए प्रोपेगेंडा बताना, ये कहां तक सही है? जी, साफ तौर से अगर मुस्कान बात की जाए तो फिल्मों को राजनीति का हिस्सा बनाना एक बेहद ही शर्म की बात है। जब भी कोई डायरेक्टर पिक्चरों को बनाता है, जब उसके स्टोरी और तमाम डायलॉग्स को लिखता है तो एक फिक्शन के रूप में उसे प्रस्तुत करता है, ना कि इंटरटेनमेंट के तौर पर बनाई जाती है, ना कि इंफोटेनमेंट के तौर पर। मगर हाल फिलहाल में अगर देखें तो देश के अंदर में अगर देखें तो तमाम पिक्चरों पर राजनीतिक सियासत तेज हो जाती है। और बात करें तो पद्मावत से पिक्चर आने के बाद कहीं ना कहीं अगर देखें तो पक्ष हो या विपक्ष, फिल्मों के मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। मगर आम जनता की जो समस्या है, चाहे प्रदेश के अंदर में रोजगार हो, चाहे बात करें सड़कों की व्यवस्थित तरीके से गड्ढा मुक्त हो, चाहे बात करें तो हर एक वर्ग की बेहतरी हो, इस पर चर्चा पक्ष या विपक्ष करने से बचते हुए नजर आता है। मगर राजनीतिक पिक्चरों पर राजनीतिक लाभ पिक्चरों से लेते हुए कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष लगातार नजर आता है। और देखिए, विभांशु, आपको भी याद होगा कि जब द कश्मीर फाइल्स आई थी तो उस टाइम एक वर्ड बहुत ट्रेंड कर रहा था, वो था वल्गैरिटी, कि इस फिल्म में वल्गैरिटी को परोसा गया है। और जब एक बार ये द केरला स्टोरी आई है तो भी कहा जा रहा है कि इसमें हिजाब और इन सब के जरिए वल्गैरिटी परोसी गई है। अगर सच्चाई को दिखाना वल्गैरिटी है तो आखिर समाज क्या कुछ संदेश लेगा? मकान अगर बात की जाए तो पिक्चर को जब बनाया जाता है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड होता है जो तमाम सीन्स को देखता है और समाज के अंदर में कैसी वो पिक्चर संदेश देगी इसको ध्यान में रखते हुए सेंसर बोर्ड कट लगाता है। अब सेंसर बोर्ड के द्वारा जो छनी हुई अगर बात करें तो पिक्चर को पूरे देखने के बाद, सेंसर बोर्ड की पूरी निगरानी के बाद जब पिक्चर रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठाना एक बेहद ही गलत बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव हो रहा है, साल भर के भीतर लोकसभा का चुनाव होना है और नेताओं को चाहे पक्ष हो या विपक्ष बात करनी चाहिए, तो रोजमर्रा की चीजों पर बात करनी चाहिए, तो जनता की प्रमुख समस्याओं पर, ना कि पिक्चरों पर। वही अगर बात की जाए तो द केरला स्टोरी के डायरेक्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आज लखनऊ पहुंचे हैं और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को इस पिक्चर को देखने की आमंत्रण भी दी जाने की बात कही जा रही है। मुस्कान,
बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार जो फिल्में हैं उसको लेकर अब राजनीति होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो हमारी राजनीति है वो अब फिल्मों के इर्द गिर्द घूमती हुई अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं उसको सेकती हुई नजर आ रही है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।